स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड हियर अगेन फॉर स्टैंडर्ड सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. अब ये चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम डे टू डे डेली लाइफ के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हम लाइट फैंस यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो किससे चलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इन इलेक्ट्रिसिटी. अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या चीज है, एक करंट है, अ वेव पासिंग थ्रू इट, अ वायर. जैसे कंडक्टर होता है और इंसुलेटर, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर्स. सो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, हाउ दे फ्लो और उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, तो ये हम ये चीज ये पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट इन दिस पार्ट we are going to study about the symbols of electric component. अब कोई भी चीज हम यूज करते हैं उसको स्टडी करने के लिए थियोरिटिकली, तो हमारे को उसका सिंबॉल चाहिए. जैसे कोई भी सिंबॉल होगा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अ सिंबॉल मींस. सो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स के जो सिंबॉल्स हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट वन. इन पार्ट टू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या फ्लो होता है तो उसमें से हीट पैदा होती है, इट जनरेट्स हीट. तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, सो इन पार्ट टू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल्ट. अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट हाउ इट प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हाउ वी कैन प्रोड्यूस, एंड द इलेक्ट्रिक बेल्ट हाउ डज इट वर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट. अब इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट सबसे पहले वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक सेल को भी एक सर्किट बनाते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं या बैटरी यूज करते हैं. सो उसका जो सिंबॉल है, इट सिंबॉल इज स्मॉल थिन लाइन एंड अ थिक लाइन. तो ये इसका सिंबॉल रहेगा इलेक्ट्रिक सेल का. अब इलेक्ट्रिक सेल के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब. अब बल्ब का सिंबल कैसा रहेगा, ये इस तरह से सिंबल रहेगा एंड अ सर्कल अराउंड इट. अब स्विच है, सर्किट बनाया हमने, इस तरह से हमने सर्किट बनाते हैं. अब ये सर्किट बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या चाहिए, सेल बैटरी चाहिए. तो एक पतली लाइन ली हमने और एक लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन, और इलेक्ट्रिक सेल हो गया. नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए हमारे को, तो ये सर्किट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे हम. अब इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है, इट इज लाइक दिस, राइट. तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया. अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये दो वायर ज्वाइन करना है हमारे को. अब स्विच इज ऑन और ऑफ, ये कैसा पता चलेगा, तो अब ये स्विच जो है हम यहां पर ले रखेंगे, तो इट शोज दैट द स्विच इज ऑन. ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है, स्विच इन ऑन पोजीशन. ये जो रहा हमारा सिंबल, ये स्विच इन ऑन पोजीशन रहेगा. अब स्विच को ऑफ करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब ये जो ऊपर की लाइन है इसको ऊपर कर देंगे, तो स्विच जो है जैसे टच हो रहा है उसके ऊपर होगा, दैट मीन्स स्विच इज इन ऑफ पोजिशन. और बैटरी का सिंबल ये रहेगा एंड द सिंबल ऑफ वायर, दिस इज द सिंबल ऑफ वायर. क्लियर, तो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट और उसके सिंबल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. तो यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज योर हैंड, सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6. इफ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ. पहले बुजो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट as suggested in class 6. अब class 6 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सब इफेक्ट पढ़े हुए थे. सो दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट विद अदर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. दे एंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजिन ऑफ देयर्स हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन. सो पहले मेक अ नीट ड्रॉइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड. अब ये इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, this is how they connect with the circuit. So can you draw this circuit conveniently? It made Bujo wonder if there was an easier way to represent this electric components.
through symbols of electric components. तो सब कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बॉल्स. अब ये जो है कॉमन कॉम्पोनेंट है, देर आर मेनी अदर कॉम्पोनेंट्स बट द बेस एंड मेन कॉम्पोनेंट आर दीज. सो इन टेबल सम इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स एंड द सिम्बॉल्स आर शोन. यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बॉल्स फॉर दिस कॉम्पोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स. हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिम्बॉल्स शोन हियर. अब जो सिम्बॉल्स है ये एक बेसिक सिंबल है जो हम ये बुक के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी. बट देर आर अदर सिंबल्स इन अदर बुक्स ऑल्सो, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस सिंबल्स इन दिस बुक ओनली. सो लुक एट द सिंबल्स केयरफुली. इन द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देर इज अ लॉन्गर टाइम लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थीकर पैरेलल लाइन. अब ये इलेक्ट्रिक सेल के अंदर अ लॉन्गर थिनर है एंड अ शॉर्टर थीकर है. तो ये सिंबल का आएगा वो इट इज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? अब ये positive terminal है और ये negative terminal है कि electric cell में. Can you see it? तो ये positive हुआ, ये negative terminal हुआ. In the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal. अब ये longer line जो है, ये positive terminal show कर रहा है. So this shows a positive terminal and a thicker, a shorter line. Shows a negative terminal. Okay? तो ये battery जो cell है ये positive terminal इस तरफ रहेगा, negative terminal shorter and thicker line में रहेगा. So for a switch the on position and the off position are represented by the symbols as shown. अब ये on position में ऐसा रहेगा और ये switch को off करते हैं तो ये symbol ऐसा रहेगा. क्योंकि smaller line जो line है ऊपर जो दो बटन के ऊपर वो सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है. दैट मीन्स वहां से वो पॉइंट से वो छूट गया. दैट मीन्स इट इज इन ऑफ पोजिशन. द वायर्स यूज टू कनेक्ट द वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स. जो वायर्स यूज होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. इन टेबल अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर शोन. अब एक टेबल के अंदर बैटरी जो है जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके सिंबल्स है. अब ये बैटरी का सिंबल ऐसा होता है. बैटरी मीन्स इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर दो चार और सेल्स मिक्स करेंगे और लार्जर वोल्टेज भी यूज तो बैटरी सिंबल इज लाइक दिस एंड अ वायर सिंबल इज जस्ट अ लाइन. डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज. लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी. कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी वुड बी. फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड सम वी मे नीड मोर देन वन सेल. So we connect two or more cells together as shown. Notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cells is called a battery. अब जैसे हम ये मैग्नेट में पढ़ते हैं कि अपोजिट पोल्स दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. अब ये इलेक्ट्रिक सेल जो है अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. अगर इस बैटरी ये सेल है बैटरी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो ये सेल को हमें दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करना है तो ये पॉजिटिव जो होता है वो ये साइड में पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये साइड में नेगेटिव हुआ. ओके अब इसको ज्वाइन करने के लिए अगेन वी नीड अनदर बैटरी. सो फॉर दैट अ पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच रहेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल लगे वो बाहर खुला रहेगा. अगर ये नेगेटिव नेगेटिव देन द सर्किट इज नॉट बीन कंप्लीटेड इट वॉज ब्रोकन. तो ये नेगेटिव टर्मिनल टू अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस ट्रांसिस्टर्स टॉयज टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज. अब जैसे हमने घर में देखा टॉर्च के अंदर पहले सेल जो है हम कैसे डालते हैं आगे का जो ऊपर अपर पार्ट है वो नीचे डालते हैं. उसी बात वापस सेकेंड सेल जो होता है जो अपर पार्ट अपर पोर्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल अगेन उसी के अंदर डालते हैं. तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे को अटैच होना चाहिए देन ओनली द करंट कैन फ्लो थ्रू इट. सो हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर. कुछ डिवाइसेस कैसे होते हैं हमारे घर पर रिमोट कैसे डिवाइस होता है उसके जो सर्किट होते हैं जो सेल लगाते हैं तो एक तरह से सॉकेट जैसा होता है. यानी एक सेल हम यहां लगाते हैं और एक सेल जो है हम
हम यहां लगाते हैं। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो एक साइड में हम सीधा लगाएंगे और एक साइड में कैसा लगाते हैं, यहां पर पॉजिटिव लगाते हैं और यहां नेगेटिव लगाते हैं। कभी भी देखा है आपने रिमोट कंट्रोल के अंदर, एसी के रिमोट पे, टीवी के रिमोट पे, तो एक साइड में पॉजिटिव लगा था एक साइड में, व्हाई? बिकॉज यहां पर सर्किट यहां कंप्लीट होता है, इट पासिस थ्रू द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये जो है, जैसे हम बैटरी का टॉर्च होता है, जो लंबी टॉर्च होती है उसके अंदर इस तरह से यूज होता है, और जो रिमोट कंट्रोल के जो होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, दे आर बीइंग प्लेस्ड साइड बाय साइड, बट द पोजिशन ऑफ द पोल्स आर डिफरेंट। सो समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। There is usually a thick wire or metal strip connected to the positive terminal of one cell to the negative terminal of the other cell. So, in order to help you place the cell correctly in the battery compartment, positive and negative symbols are usually printed there. हमारे को positive and negative terminal का print वहाँ पे दिखा हुआ ही रहती है, और जो cell रखने की position होती है, वहाँ पर जो एक wire होता है, पीछे से एक pin होती है। पिन दबा के फिर हम बैटरी रखते हैं, सेल डालते हैं, फिर देखते हैं कि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो वो साइड में पिन दबा के हम दूसरा सेल डालते हैं। सो हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर एक्टिविटीज? यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, टू आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड्स। अब वुडन ब्लॉक के अंदर हम एक सेल होल्डर बनाएंगे बैटरी के लिए, एक सेल रखेंगे होल्डर के बाद आयरन स्ट्रिप है, आयरन रॉड साइड में से निकालते हैं, तो पॉजिटिव साइड में जो अटैच होगा और नेगेटिव साइड में जो अटैच होगा, तो पॉजिटिव अटैच टू द नेगेटिव पोजीशन एंड नेगेटिव अगेन अटैच टू द पॉजिटिव पोजीशन। सो इट इज नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। अब रबर बैंड में के लिए यूज कर रहे हैं कि जो मेटल की जो पट्टी होती है जो हम अटैच करेंगे सेल के साथ में, वो बरोबर होल्ड करेगी, वहां से करंट मतलब टाइटली इट होल्ड्स विद द बैटरी, दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट्स फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। अब सेल होल्डर हम देखते हैं कि पीछे के जो होल्डर होते हैं मार्केट में अगर मिलते हैं, तो जो नेगेटिव साइड में होता है वहां पर एक छोटे से स्प्रिंग रहती है, उस स्प्रिंग को दबाते हैं, या तो एक स्ट्रिप रहती है, जो स्ट्रिप जो है वो फोल्डेबल होती है, यानी जब निकालते हैं सेल निकालते हैं तो स्ट्रिप वापिस ऐसा बाहर निकल आती है, या तो स्प्रिंग रहता है वहां पर। यू कैन ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। सो प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो करेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन। अब मेटल क्लिप्स के अंदर हम देखते हैं वो वायर कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर रबर बैंड लगा देते हैं, व्हाई? बिकॉज इट विल होल्ड टाइटली, सो अ बैटरी इज रेडी फॉर यूज। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन। अब सिंबल जो है बैटरी का क्या रहेगा, इट विल बी शोन लाइक दिस। और ये जो शॉर्ट लाइन थिन लाइन है और लॉन्ग लाइन, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिक लाइन रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव टर्मिनल। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, ये अगेन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो एक्टिविटी हियर इज गिवन, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हम देखते हैं, वी हैव सीन लाइक दिस। यू नीड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास सिक्स टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। डू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। The bulb glows as soon as the switch is in move to the on position. Switch on करेंगे तभी जाके वो बल्ब जलेगा। तो copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using symbols for the various electric components. अब ये symbols क्या है? अब ये cell use कर रहे हैं, electric cell का symbol क्या है? A thin line and a thick line, a shorter thin line. अब ये symbol use किया, अब यहां पर क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस वन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन और इज इन ऑन पोजीशन, एंड दिस अ स्मॉल लाइन
a thin line, it is a wired symbol. So is your diagram similar to the one shown? It is much easier to draw a circuit diagram using symbols. अब सर्किट डायग्राम में सिंबल से बनाना इजी. अब ये बैटरी बनाया, बल्ब बनाया, सर्किट्स बनाते हैं, इट इज अ टफ टास्क. लेकिन समझने के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल वी यूज सिंबल्स. सो इन फिगर शोज अनदर सर्किट डायग्राम, इट इज आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन. अब ये जो सर्किट डायग्राम्स होते हैं, ये डायग्राम्स कैसे होते हैं? अब ये ऑफ पोजिशन है. अगर ये लाइन अगर हम यहां से हटा दें, अब यहां लग रहा है, तो ये ऑन हो गया. अब ये ऑन होने के बाद ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. अगर ये वापस ये ऑफ कर देंगे तो ये सिंबल ऐसा हो जाएगा, तो द बल्ब अगेन विल नॉट ग्लो. अब ये वापस स्विच ऑफ हो जाएगा. सो वुड द बल्ब ग्लो इन दिस सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट? नो इट वोंट. रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोस ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजिशन and the electric circuit is closed. अब ये बात कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स द स्विच इज इन ऑन पोजिशन. क्लोज मीन्स द पूरा करंट जो है पूरा फ्लो हो रहा है. इट इज देन ओनली कॉल्ड एज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इन द बल्ब देर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट. अब बल्ब के अंदर क्या होता है, थिन वायर होता है. बल्ब में देखते हैं हम कि बीच में एक पतला वायर रहता है, वो पतला वायर होता है. फिर कभी कभी बोलते हैं भाई बल्ब उड़ गया, द बल्ब हैज बीन ऑफ. वो कैसा हो जाता है, फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है. गर्म होने के बाद इट विल ग्लो. जब जलता है, हीट पैदा करता है, तब वो जलता है. अब जलने के बाद इट गिव्स लाइट. अब वही फिलामेंट जब ज्यादा पावर रहेगा आफ्टर एट लॉन्ग टाइम, तो फिलामेंट जल जाएगा या तो ब्रेक हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा? नो, इट वॉन्ट ग्लो. सो जो बीच का जो वायर होता है पतला सा, इट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट इन अ बल्ब विच क्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. तो व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन. कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, बोलते हैं भाई बल्ब उड़ गया, बोलते मानो अब ये, तो उसमें उड़ गया मतलब इट फ्लोज जो मतलब उसका जो बीच में जो थिन फिलामेंट वायर है वो ब्रेक हो जाता है या तो वो जल जाता है. So if the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? अगर filament जो बीच में जो बल्ब के बीच में filament है, अगर वो break हो जाता है, तो circuit complete होगा? No, it won't complete. It is an incomplete circuit. So would the bulb still glow? You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? Bulb जब जलता है, तो गर्म होता है. अब वो गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? That we are going to study in a next part. That is called as heating effect of electric current. Okay, students. So in this part we have completed the symbols of electric components. In the next part we are going to study about the heating effect of electric current. Thank you.